Hey दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टोरीज मोटिवेशन एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो होता क्या है कि 1954 से पहले पहले की बात कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि टू रन अ 1 माइल दैट इज 1.6 किलोमीटर यू रिक्वायर अ बेसिक टाइम ऑफ 4 मिनट्स. तो साइंटिफिकली इट वॉज प्रूवन कि इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए इतना टाइम तो मिनिमम लगता ही है. उस टाइम पे 1954 से पहले साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की और जो रिसर्च से निकला वो ये निकला कि एवोल्यूशन जो है हमारा वो हमें अलाउ करता है कि हम इस डिस्टेंस को सिर्फ 4 मिनट में ही कवर कर सकते हैं. हमारी स्ट्राइड्स हमारी लेंथ हाइट के हिसाब से इम्पॉसिबल है कि हम इससे नीचे की इसे कवर कर सकें. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड In 1954, एक बंदा आता है by the name of Roger Bannister, and this guy just broke the record by only 1 second. Now, कुछ बड़ा नहीं हुआ, 1 second से तो रिकॉर्ड टूटा. मतलब उसने 3 मिनट 59 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर कवर कर लिया. हुआ क्या, अब ये रिकॉर्ड चाहे 1 second से टूटा बट वो टूटा. जो 1954 से पहले कभी नहीं टूटा वो टूट गया रिकॉर्ड. पीपल अमेज्ड कि ये कैसे हो गया. दे वर स्ट्रक बाय एक्साइटमेंट. बहुत खुश थे लोग. सो हुआ क्या, रॉजर बैनिस्टर को बहुत ही वाह वाह मिली और मिलनी भी चाहिए थी. तो उसके बाद होता क्या है, रॉजर बैनिस्टर ने एक तरीके से एक बिलीफ सिस्टम चेंज कर दिया. 1954 से पहले हमारी जब भी कोई रनर रनिंग के लिए जाता था उसके मेंटल एटीट्यूड में ये होता था कि ये रिकॉर्ड नहीं टूट सकता. अब वो जब जाता है तो वो उसे पता है ये टूट सकता है. सो हुआ क्या कि एक चेंज आया बिलीफ सिस्टम में. और उसका चेंज कैसे हुआ कि बिलीफ सिस्टम का हमारे ब्रेन के ऊपर असर पड़ा, हमारे एवोल्यूशन के ऊपर असर पड़ा. ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हुआ क्या, मॉरल क्या हुआ कि 1954 से पहले तो कोई भी नहीं क्लियर कर रहा था. उसके बाद स्कूल के बच्चे, कॉलेज गोइंग किड्स, वर्ल्ड में अक्रॉस हर तरीके के लोग, अक्रॉस द ग्लोब लोग, हर तरीके के लोग ये क्लियर कर रहे थे. मतलब दे वर ब्रेकिंग द रिकॉर्ड 3 मिनट्स 59 सेकंड्स में 1.6 किलोमीटर. और ये नहीं, 1954 के बाद तकरीबन 10,000 लोगों से आज तक ये रिकॉर्ड तोड़ा है. और इसमें स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूल्स एंड प्रोफेशनल एथलीट्स सारे हैं. अब होता क्या है कि ये एवोल्यूशन ने हमें ये चीज सिखाई है कि अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करते हैं तो हम अपने माइंड को कंकर करते हैं. सो हुआ क्या कि जब भी अब कोई भी बंदा रेस ट्रैक में जाता है उसे पता है ये जो रिकॉर्ड है ये ब्रेकेबल है. तो अब हम आते हैं अपने एक डिफरेंट टॉपिक पे. आज हम आपको देंगे 3 P's ऑफ सक्सेस, जो कि ऊपर वाली बात करने के हिसाब से ही था कि कैसे हम इसे अप्लाई करें. तो पहली चीज इज पेशेंस, सेकेंड इज परसिस्टेंस एंड थर्ड वुड बी बीइंग पॉजिटिव. ये तीनों चीजें आपको रखनी है अपने लाइफ में. इफ यू वांट टू ग्रो इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. हम और रिव्यूज बनाएंगे, बुक रिव्यूज, लाइफ रिव्यूज एंड डिफरेंट कोचिंग क्लासेस ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो होती हैं लाइफ में लोगों के, जो लाइफ है बिजनेस पीपल की लाइफ है उनके रिव्यूज. सो आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी लाइक कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट.